गाइस, तो मैं अभी गांव पहुंच गई हूं और ये आप लोग देख सकते हैं। गांव में ना ऐसे पार होने के लिए बनाया जाता है लकड़ी से, तो अभी मैं पार होंगी। मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा है, पर पार तो होना पड़ेगा बेटा। हो, और मुझे ऐसे झाड़ियों से होकर के जाना पड़ेगा। ओ माय गॉड, मेरे कपड़े में तो अभी तो लग जाएगा पूरा वाट, लेकिन क्या करूं, जाना तो पड़ेगा। और मेरा घर वो दे उधर देखो, छोटा सा वो रहा मेरा घर। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो मैं आज आ गई हूँ गांव, और गांव में आप लोग देख सकते हैं चिड़िया का आवाज़ आ रहा होगा, बहुत ही प्यारा प्यारा। और अभी मैं खेत वाले रास्ते से जा रही हूँ, और देख सकते हो पूरा कांटों के बीच से ये पूरा इधर कांटा वगैरह है, तो मुझे इस रास्ते से जाना पड़ेगा। और एक लंबा रास्ता है जिसमें कि मैं नहीं जा सकती थी, क्योंकि उससे मेरे को बहुत दूर लगता और मेरा टाइम भी वेस्ट हो जाता। तो अभी मैं इस रास्ते से जा रही हूँ, पूरा कच्ची रास्ता, पूरा खेत के बीच से। गाइस, तो अभी धान वगैरह पूरा कटाई हो गया है, और खेत में देख सकते हो अभी भी पानी है यहाँ पे। और अभी जब गर्मी आएगा तो पूरा सूख जाएगा। ये भगवान, मेरे पूरे कपड़े में ये कांटा लग जा रहे हैं। ये आप मेढ़ देख रहे हो, ये पूरा कटा फटा है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे क्यों खोदे हैं, तो मैं बता दूं, ये है देसी मांसाहारी, जिसको चूहा बोलते हैं, उसको खाते हैं ना, तो ये कोड़ कोड़ करके पूरा निकाल दिए हैं। तो इधर चूहा वगैरह पूरा बिल बना के रखा था होगा, तो उसको पूरा मार के खा गए। गाइस, तो मुझे रास्ता ही समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ कहाँ भटक रही हूँ, उधर पूरा किधर किधर से घूम भटक करके मैं आ रही हूँ। और इधर देखो, अभी मैं यहाँ से चढ़ूंगी, पता चला फिसल के गिर ना जाऊं। ओ माय गॉड, रास्ता खुद बनाना पड़ रहा है मुझे। तो अभी जाती हूँ, और मैं आप लोग एक चीज दिखाती हूँ। इधर बकरी वगैरह है ना, तो वहां पे सफेद वाला क्या बोलते हैं उसको, कौआ नहीं, वो क्या पता नहीं, जो भी हो, चिड़िया दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये देखो, इधर बकरी को बांधे हैं, और बकरी के बगल में ना ये प्यारे प्यारे चिड़िया बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। वो देखो, अभी मैं पास जाऊंगी ना तो उड़ जाएंगे। गाइस, तो ये रहा मेरा प्यारा सा छोटा सा घर, और इस साइड में बगान, और उधर हमारे घर के मुर्गा मुर्गी चर रहे हैं। और मेरे घर के आंगन में ना एक पेड़ था, जिसको काट पीट करके सत्यानाश कर दी। गांव का मजा ये देखो, बैठे रहो और आग तपाते रहो। और यहाँ पे चरनी तो अभी तक नहीं उजड़ा है, पता नहीं कब निकालते हैं, मालूम नहीं। गाइस, तो अभी मैं इधर घूमने आई हूँ, और इस साइड में हम लोग का डबरा है जहाँ पे हम लोग नहाते हैं। और इधर पूरा सरसों का खेती किए हैं, तो पूरा मस्त पीला पीला फूल, कितना प्यारा लग रहा है। और इधर तो उतना घना नहीं है, पर उस साइड में मेरे पीछे देख रहे हैं वो है सरसों का फूल, बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो अभी मैं जा रही हूँ घर की ओर, बस थोड़ा सा ऐसे घूमने के लिए आई थी। और गांव में ना खेतों में घूमेंगे तो ये कांटा बहुत परेशान करता है। ये देखो, ये जो कांटा है ना, दिमाग खराब करके रख देता है। यदि शरीर के किसी भी अंग में चुभ गया ना, तो क्या ही बताएं, ऐसा लगता है जैसे कि कोई सुई से ऐसा ऐसा कर रहा है। तो फिलहाल गाइस, तो अभी मेरे जाने का टाइम हो गया है। बस मैं कुछ कुछ भाजी सब्जी आलू वगैरह लेने के लिए आई थी, तो मेरा बैग हो गया है भारी, तो मैं ढोने नहीं पा रही थी। तो मेरे पापा जुगाड़ बना रहे हैं साइकिल में लेके जाने के लिए, तो ये आप लोग देख सकते हो, पापा को मेरे ऊपर दया आ गया। तो अभी हम लोग जाएंगे यहाँ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर पैदल पैदल बस चढ़ने के लिए। तो गाइस, अभी हम लोग रोड में पहुँच गए हैं, और इधर आप लोग देख सकते हो चारों साइड बस सरसों का खेती, और ये खपरा का घर। और मेरे पापा आगे आगे जा रहे हैं, और उनके पीछे पीछे मैं जा रही हूँ। मैं चल ही नहीं पा रही हूँ, मेरे पापा बहुत आगे चले गए हैं।
कहाँ जगह? तो तोर चाचू का नाम का है? हैं? तू कहाँ जगह है तोर चाचू बनकर घर? बतावा, चल जल्दी जल्दी रहेगा, धीरे धीरे रहेगा था। कहाँ का नाम है? हैं? नहीं मैया बाबू, कहाँ नाम है बाबू? बाबू हंस को मैया, कहाँ नाम है कर? बाबू है। गाइस तो ये है मेरी मम्मी का स्कूल, और उधर से मम्मी आ रही है, बच्चे लोग खेल रहे हैं। और ये मिशन स्कूल है, ठीक है गाइस। तो फाइनली मैं बस चढ़ गई हूँ, और बस में अभी इतना भीड़ नहीं है, और मैं पहुँचूँगी लगभग 6 बजे। तो इस वीडियो को मैं यहीं तक रखती हूँ, उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी तो लाइक कमेंट से सब्सक्राइब करके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय एंड टेक केयर।